कर्मफल दाता शनिदेव की कुदृष्टि का डर हर किसी को है, क्योंकि अगर किसी की कुंडली में साढ़े साथी या ढैया शुरू हो जाए तो फिर जिंदगी उसे रुला देती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि फिलहाल किन राशियों पर शनि की साढ़े साथी चल रही है और उन जातकों के साथ क्या अच्छा या बुरा हो रहा है। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी से। तो आज मैं आपसे इस पोस्ट में बात करूंगा शनि देव जी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस 22 मई को ज्येष्ठ अमावस्या भी है और शनि जयंती भी है, तो मैं आज इस पोस्ट में आपको ये बात बताऊंगा कि जिन लोगों पर शनि देव की साढ़े सती चल रही है और ढैया चल रहा है, उस दिन वो क्या छोटे छोटे उपाय करें ताकि हमें शनि देव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी जो परेशानियां हैं वो कम हो और जीवन सामान्य हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो शनि की साढ़े सती चल रही है अभी के समय में, धनु राशि वालों पर, मकर राशि वालों पर और कुंभ राशि वालों पर शनि देव की साढ़े सती चल रही है। कुंभ राशि वालों पर ये पहला चरण चल रहा है, मकर राशि वालों पर दूसरा चरण और धनु राशि वालों पर तीसरा चरण चल रहा है साढ़े सती का। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जब साढ़े सती का पहला चरण होता है तो वो हमारे दिमाग और सिर में शनि देव का वास होता है साढ़े सती का, और वो हमें मानसिक तनाव देते हैं। अगर शनि देव की स्थिति सही ना हो तो वो हमें मानसिक तनाव, परेशानियां, हमारी सोच समझ में कमी, जिससे हम गलत फैसले लेते हैं ज़िंदगी में और हमें उसका नुकसान भोगना पड़ता है। और जब दूसरा चरण होता है तो वो शनि देव का साढ़े सती का वास हमारी छाती पर होता है, जो हमारे मन का कारक है, जो चंद्र का स्थान है। तो हमारा मन हर वक्त परेशान रहता है किसी भी भय को लेके, अज्ञात भय को लेके, घर की परेशानी को लेके, फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके, बाकी तरह तरह का भय हमारे मन में स्थित हो जाता है और पक्का हो जाता है और हम डरे डरे रहते हैं कि जिंदगी में क्या करें या ना क्या करें। तो ये शनि देव की साढ़े सती का प्रभाव पड़ता है हम पर। और जो तीसरा चरण होता है वो हमारे पैरों में होकर निकलता है, तो अगर वहाँ पे भी हमें मंदे फल मिल रहे हैं साढ़े सती के और परेशानी हो रही है, तो हमें बिना वजह की भागदौड़, बिना वजह का हर वक्त चलेमान, कभी इधर कभी उधर भटकना पड़ता है अगर इस साढ़े सती का प्रभाव हम पे पैरों पर होगा। तो मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि अगर हम उस शनि देव जयंती के दिन छोटे छोटे उपाय करें तो हम अपने इस साठ सती का जो समय है बड़े आराम से निकाल सकते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं बात करूंगा कन्या राशि और तुला राशि वालों के बारे में कि उनके ऊपर शनि देव का ढैया चल रहा है। और ढैया क्या होता है, जिस राशि में शनि देव विराजमान होते हैं ढाई साल के लिए और उससे जो पिछली चौथी राशि और आठवीं राशि पर ढैया चलता है शनि देव का, तो ये प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अमावस्या वाले दिन क्या करें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि धनु राशि वाले उस दिन क्या करें। धनु राशि वाले उस दिन सरसों के तेल में काले चने बनाएं और उन पे नमक डालकर प्रसाद के रूप में लोगों में बांटें, तो इससे आपको बहुत उनका आशीर्वाद मिलेगा शनिदेव का। और मांस मदिरा से परहेज रखें, ये आपके लिए उत्तम होगा। और जो हमारे व्यापारी हैं धनु राशि वाले, जो जिनकी दुकान है या फैक्ट्री है जो भी है, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि 11 पत्ते पीपल के लें आप और हर पत्ते पे सिंदूर के साथ राम लिखें और अपनी दुकान की तिजोरी में रख लें। इससे आपको धन संबंधी जो भी परेशानियां आ रही हैं वो ख़त्म होंगी, जो भी आपके घर में दिक्कतें आ रही हैं किसी भी तरीके से, धनु राशि वालों का ये उपाय करके उनको बहुत लाभ होगा और जिंदगी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी और शनि की साढ़े सती का जो आखिरी चरण है वो आपको आरामदायक निकल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए जैसे कि मैंने बताया कि वो हमारी छाती पर चलती है, तो हमें मन में बहुत अज्ञात भय आते हैं जिससे हमें स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। घर में कोई ना कोई बीमार या खुद वो जातक जरूर बीमार हो जाता है परिवार का माहौल देखकर। तो उस दिन आप क्या करेंगे, आप उस दिन अंधों को भोजन करवाएं, इससे आपको बहुत शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। और उसके बाद किसी जरूरतमंद को चकला और बेलन का दान करें, इससे भी
आपकी समस्याओं का हल होगा और मन की शांति के लिए, ताकि मन शांत होगा तो हम हर काम कर पाएंगे जिंदगी में, उसके लिए आपको उस दिन पीपल के पेड़ पे 11 लोटे जल चढ़ाना चाहिए और वहाँ से आशीर्वाद लेना चाहिए और अपनी मनोकामना रख देनी चाहिए कि मुझे हर परेशानी से निजात मिले, और आपको जरूर मिलेगी। अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि वालों के लिए कि वो उस दिन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मांस मदिरा का परहेज रखें। शनि की सारसती में अगर हम इस चीज़ का परहेज नहीं रखते तो हमें शनि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा उलझनों से भर देते हैं। मैं ये बार बार अपने दर्शकों से ये कहता रहता हूँ कि इस सारसती में ये परहेज रखना बहुत ज़रूरी है। और कुत्ते को सरसों के तेल लगाकर रोटी खिलाना बहुत उत्तम रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। ये आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा शनिदेव का, और आपकी जो भी मानसिक तनाव है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है सोच समझ में, जिससे गलत फैसले लिए जा रहे हैं, या आप घर में कोई ना कोई मतभेद चल रहा है, तो वो उससे निजात मिलेगा। और सबसे उत्तम रहेगा शिव मंदिर की सेवा। शिव मंदिर में उस दिन आप साफ सफाई जरूर करके आएँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद शनिदेव का मिलेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा मिथुन राशि वालों के लिए जिनके ऊपर शनि देव का ढैया चल रहा है, तो वो उस दिन क्या करें। आप उस दिन छोटी कन्याओं की सेवा करें, उनको कोई ना कोई उपहार दें, कुछ भी दें, खुशी से दें, ताकि वो खुश हों और आपको वो आशीर्वाद दें, जिससे शनि देव भी प्रसन्न होंगे और आपके भी जो भी कामकाज या परेशानियां चल रही हैं परिवार में या कोई भी जिंदगी में, तो वो उससे आपको राहत मिल जाएगी। और जरूरतमंद लोगों को या औरतों को या किसी ज़रूरतमंद को उड़द की दाल और बादाम, थोड़े बहुत बादाम उनको दान करें, इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। और अपने घर के जो बुज़ुर्ग बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेते रहें, इससे आप पे बहुत कृपा होगी। अब मैं बात करूँगा तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए उस दिन क्या करना चाहिए। तुला राशि वालों को उस दिन उबले हुए चावल कौओं को खिलाने चाहिए, इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे और आपके सारे काम जो बिगड़े हुए बन जाएंगे और आगे जो भी काम आने वाले होंगे वो अच्छे तरीके से होंगे। और शिव मंदिर में दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ा के आए, और इससे भी बहुत कृपा आपको भोलेनाथ की और शनिदेव की मिलेगी। और किसी भिखारी को उस दिन 8 नंबर की चप्पल का दान जरूर करें, रबड़ की चप्पल का, और ये देख लीजिए कि वो 8 नंबर की चप्पल हो तो ये बहुत उत्तम होगा, और इससे आप पे शनि देव की बहुत ज़्यादा कृपा होगी और आपके सारे काम बिगड़े हुए काम सारे बनेंगे और उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर पे सुख समृद्धि का वास होगा। और अब मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा सभी के लिए, धनु राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, और ये बाकी राशि वाले भी उस दिन ये कर सकते हैं, जो शनि देव का मूल मंत्र है ओम प्रा प्री प्रो स शनिचराय नमः, ये मंत्र का जाप बहुत उत्तम रहेगा अगर हम अपने घर में या मंदिर में जाके करते हैं। तो आज की पोस्ट में ये ही मैं आपको बताने आया था कि जिस दिन 22 मई की शनि जयंती है तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो अगली पोस्ट में फिर मैं किसी ग्रह के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।